सब्सक्राइब करें क्यूसीएल को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए, प्रेस कर लें बेल आइकन को भी, ताकि हर वीडियो का अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए. सब्सक्राइब टू क्यूसीएल, हिट द बेल आइकन आल्सो, यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन आफ्टर द अपलोड वीडियो. वेलकम टू क्यूसीएल. आज है, वैसे तो अब 20 नवंबर की शुरुआत हो गई है, मगर फिर भी हम इंक्लूड करेंगे कि 19 का ही ये सेकंड वीडियो है. करंट अफेयर का एक था, दूसरा ये. जो हम आपको कहने जा रहे हैं वो बात ये है कि वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पहले ही इसको, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम्प्लीटली वॉच कीजिए, विद केयरफुली सुनिए. इसके साथ साथ लाइक ज़रूर करें, वॉच करते करते लाइक कर दें, और जब कंप्लीट वॉच कर लें तब शेयर करें, ठीक है. और अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी सेंड करें, कैसा लगा आपको कंटेंट ज़रूर बताएं. इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं. तो लाइक शेयर कमेंट, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें इस QCL को. ये हमारे चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा. तो चलें स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं एक बात कहूं कि आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, और उनका नाम है अमनदीप. वो कहती हैं कि मैम आप कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और मुझे आपका कंप्यूटर बहुत पसंद है, और हर सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मैं आपके कंप्यूटर का वीडियो का स्पेशल वेट करती हूँ. तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं कंप्यूटर का वीडियो बनाती हूँ, यानी कल मैं 3 वीडियो बनाऊँगी. कल के 3 वीडियो होंगी, इंग्लिश वोकेबलरी का एक रहेगा, और एक फिर से कंप्यूटर का, और एक करंट अफेयर का, और आज का दूसरा वीडियो जो है ये कंप्यूटर का है. लेकिन तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओके, शुरुआत करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन शॉपिंग मॉल में कैसे वर्क कर सकते हैं. हाउ टू वर्क विजुअली इम्पेयर्ड इन अ शॉपिंग मॉल. तो कैसे एक शॉपिंग मॉल में तो विजुअली इम्पेयर्ड वर्क कर सकते हैं. तो इसके लिए आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ. सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, आपको मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई है, जैसे पासबुक, और उसके अलावा मैंने आपको सैलरी शीट, पासबुक, अटेंडेंस शीट, मार्कशीट. तो आपको मैं 2 शीट और पढ़ाऊँगी अभी टैब शुरू करने से पहले. एक तो मैं आपको पढ़ाऊँगी शॉपिंग बिल, और एक पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो मैं आपको शॉपिंग बिल पढ़ाती हूँ आज पहले, क्योंकि शॉपिंग बिल की ही ज़रूरत है ना. हाँ, तो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड जो शॉपिंग मॉल में काम कर सके, तो उसको शॉपिंग बिल आना चाहिए बनाना. हमें बहुत कुछ आना चाहिए, पर यह है सब कुछ भले ही ना आए, क्योंकि सब कुछ तो किसी को नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ ज़रूर आना चाहिए. और जीवन एक संघर्ष का नाम है, लाइफ एक स्ट्रगल का नाम है, मरते मरते हमें अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखना चाहिए. तो ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. हाउ टू वर्क्स विजुअली इम्पेयर्ड इन अ शॉपिंग मॉल. तो इधर नीड है एक शॉपिंग बिल की, जिससे कि जो बनाना आ जाए तो एक विजुअली इम्पेयर्ड को काम करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना. ये मुझे ही लगता है, ये आपको भी लगता है. देखिए, एक स्पेशल चीज़ है, हालांकि शॉपिंग बिल वगैरह तो हमको भी नहीं पढ़ाया गया था, ये हमने अपने स्किल से सीखा, और आज हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है. तो चलिए सिस्टम ऑन करते हैं, पावर बटन से सिस्टम ऑन कर लेंगे. पावर बटन सब जानते हैं किधर होता है, ब्लू कलर का होता है. और अगर 1 मिनट के अंदर सिस्टम ना खुले तो एक बार एंटर प्रेस कर दें, जिससे कि सिस्टम आपका ऑन हो जाए. उधर जाके फिर 3 मेथड्स बताए हैं मैंने आपको, फाइल क्रिएशन के, एक विंडो की सर्च करके, दूसरा विंडो और रन डायलॉग खोल के, और तीसरा न्यू सब मेन्यू में जाके डेस्कटॉप पे किसी आइकन को अनसेलेक्ट करें कंट्रोल स्पेस से, डेस्कटॉप पे जाएं. वो तो जाने का तरीका मैंने विंडो डी विंडो एम सबको बताया है. कंट्रोल स्पेस से जाएं, और सॉरी कंट्रोल स्पेस से अनसेलेक्ट करें. कंट्रोल स्पेस से अनसेलेक्ट करने के बाद उस जाएं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए जिसको हम एप्लीकेशन मेन्यू भी कहते हैं, और शिफ्ट F10 और एक्सटर्नल कीबोर्ड है आपके पास तो एप्लीकेशन की, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं. वहाँ पे आपको डाउन एरो से न्यू सब मेन्यू मिलेगा, या फिर N प्रेस कर लें. क्या न्यू सब मेन्यू के लिए N प्रेस करते हैं, और एक होता है व्यू सब मेन्यू, तो उसके लिए W. हमें फ़िलहाल N
प्रेस करना है हमें, और डाउन एरो से भी नेविगेट करके जा सकते हैं। न्यू सब मेन्यू में एक फाइल क्रिएशन का तरीका है, वहाँ पे जाएंगे आपको बहुत सारी फाइल मिलेगी, टेक्स्ट फाइल, डॉक फाइल, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जैसे क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। आप दोबारा डेस्कटॉप टाइटल चेक करें और डेस्कटॉप पे जाएं, कोई भी कमांड देकर विंडो डी या विंडो एम, और देखेंगे तो आप एम प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका डेस्कटॉप पे है। अब आप एंटर कर लें, लेटेस्ट ऑफिस है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि ब्लैंक शीट, ये वो दिखाएगा, तो ब्लैंक शीट पे एंटर करना है। जैसे ही आप एक्सेल पे एंटर करेंगे तो आप कुछ मत करें, अगर वो आपको कोई नोटिफिकेशन देता है एक बार और एंटर करते हैं तो आपकी ब्लैंक शीट खुल जाएगी, यानी वर्कबुक खुल जाएगी। ये मैंने नई फाइल ली है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे A1 पे मेरा कर्सर है, इसने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 A1। चाहे मैं जितनी भी फाइल सेव कर लूँ पर मेरी जब भी मैं ब्लैंक फाइल खोलूँगी तो उसको बुक 1 ही कहेगा एक्सेल फाइल को, ठीक है। और बुक 1, एक वर्क बुक में 3 शीट्स होती हैं, ये बहुत बार बताया है मैंने। तो अब A1 पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर हम डालेंगे लिस्ट LIST, फिर राइट एरो करेंगे, राइट एरो करके हम यहाँ पे डालेंगे क्या, यहाँ पे डालना है हमें आइटम्स नेम या नम, क्या डालेंगे आइटम्स नेम, या डाल सकते हैं नंबर्स ऑफ आइटम्स, क्या डालेंगे B1 में आइटम्स नेम या नंबर्स ऑफ आइटम्स, फिर राइट क्या करेंगे, फिर हम डालेंगे C1 में डालेंगे यहाँ पे रेट, राइट एरो किया C1 में डालेंगे रेट, फिर राइट एरो करेंगे D1 में हम डालेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, कि हमें डिस्काउंट दिया गया है क्या, किसी कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, और फिर राइट एरो करेंगे E1 में डालेंगे डिस्काउंट रेट, क्या डालेंगे डिस्काउंट रेट, फिर राइट एरो करेंगे F1 में डालेंगे यहाँ पर हम अमाउंट, क्या डालेंगे अमाउंट, फिर राइट एरो करेंगे यहाँ पर डालेंगे हम G1 में अमाउंट डाला है हमने, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट, सॉरी F1 में डालेंगे हम पहले क्वांटिटी, क्या डालेंगे क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ आइटम में डालिए वहाँ पे आइटम्स नेम लिखिए, यहाँ लिखिए F1 में नंबर्स ऑफ, यानी क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ आइटम्स मत लिखिए B1 में आइटम्स नेम, और C1 में लिखिए क्या कौन सा ना क्या नाम था किस आइटम का, ठीक है, क्या बस आइटम्स नेम डालिए C1 में रेट, D1 में डिस्काउंट, फिर राइटर होकर के E1 में डिस्काउंट रेट, F1 में डाला है यहाँ क्वांटिटी, अब यहाँ डालिए क्वांटिटी, राइटर हो करेंगे G1, अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट, F1 में नहीं G1 में लिखेंगे अमाउंट, राइटर हो करेंगे H1 में लिखेंगे GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर राइटर हो करेंगे I1 में डालेंगे टोटल बिल, क्या डालेंगे टोटल बिल, फिर राइट एरो करेंगे J1 में डालेंगे ग्रैंड टोटल, क्या डालेंगे ग्रैंड टोटल। अब देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने एक्सेल खोला है, एक्सेल खोलने के बाद यहाँ पर हमने A1 में डाला है लिस्ट, क्या डाला है लिस्ट, राइट एरो किया B1 में डाला है आइटम्स नेम, B1 में क्या डाला है, फिर से करें B1 में क्या लिखा है आइटम्स नेम, क्या लिखा है आइटम्स नेम, राइट एरो किया हमने C1 में डाला है रेट, क्या डाला है रेट, रेट्स डाले हैं हमने, फिर राइट एरो किया D1 में डाला है हमने डिस्काउंट, क्या डाला है डिस्काउंट, फिर E1 में डाला है राइट एरो करके E1 में डाला है डिस्काउंट रेट, क्या डाला है डिस्काउंट रेट, फिर राइट एरो किया हमने यहाँ पर, राइट एरो करने के बाद हमने F1 में डाला है क्वांटिटी, F1 में क्या डाला है क्वांटिटी, राइट एरो किया G1 में डाला है हमने क्या अमाउंट, क्या डाला है अमाउंट, फिर राइट एरो किया H1 में क्या डाला है हमने, H1 में डाला है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट एरो किया यहाँ पे लिखा हमने टोटल बिल, क्या लिखा टोटल बिल I1 में, राइट एरो किया J1 में लिखा ग्रैंड टोटल, क्या लिखा ग्रैंड टोटल। अब मैं ज़रा कंट्रोल लेफ्ट एरो कर लेती हूँ और मेरा कर्सर लिस्ट पर आ गया है जो A1 में लिस्ट है, मैं लिस्ट की जगह बजाय लिस्ट के, या लिस्ट की जगह मैं लिख सकती थी इसके प्लेस पे
इसको सीरियल नंबर भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने लिस्ट लिखा है, A1 में लिखा है। तो अब मैं पहले डाउन एरो करती हूँ, A2 में मैंने 1 डाला, फिर डाउन एरो किया, ये A3 आया मेरा तो मैंने 2 डाला, राइट एरो किया, A4 में 3, राइट एरो किया तो डाला मैंने, A5 आया तो 4 डाला, राइट एरो किया, A6 आया तो 5 डाला। A6 में 5 क्यों पड़ा है? क्योंकि A1 में हमारी हेडिंग है लिस्ट या सीरियल नंबर, A2 में 1, A3 में 2, A4 में 3, A5 में 4, A6 में 5, क्योंकि A1 हमारा जो है वो हेडिंग्स के लिए यूज़ हो गया है। ठीक है, हमने लिस्ट या सीरियल नंबर हेडिंग डाली है। अब हम कंट्रोल अप एरो करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कर्सर A1 जहाँ हमने लिस्ट लिखा है वहाँ जाएगा। क्या लिखा है? लिस्ट, वहाँ पर जाएगा। अब लिस्ट पे हमारा कर्सर गया है A1 पर। अगर हम डाउन एरो करेंगे तो अभी हमारा कर्सर A6 पे जाएगा, क्योंकि हमने सीरियल नंबर 5 तक हमने नंबर डाले हैं। राइट एरो कर लीजिए, B1, B1 में है हमारा आइटम्स नेम। क्या है? आइटम्स नेम। डाउन एरो किया, B2, B2 में लिखा है मैंने एयर कंडीशन, राइट एरो, वो सॉरी डाउन एरो किया, डाउन एरो करके B2 आया था, B2 में एयर कंडीशन लिखा है, डाउन एरो करके B3 में लिखा है मैंने रेफ्रिजरेटर, डाउन एरो किया, B4 में लिखा है मैंने वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, डाउन एरो किया, B5 में लिखा है मैंने मैंने एक डेल का लैपटॉप लिया है, आइटम्स नेम के नीचे लिख रही हूँ ये सब, और डाउन एरो करके फिर मैंने लिखा कि मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है, ये ख़रीदा है ओ मैं इसका कौन सा होता है वो A+, ये मैंने ख़रीदा है, ये मान लीजिए iPhone 11 ख़रीद लिया। ठीक है, iPhone 11। तो आप सुन लीजिए, B1 में हमारा आइटम्स नेम है, डाउन एरो किया तो हमने B2 में लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, B2 में हमने यहाँ पे लिख दिया है भाई एयर कंडीशन, डाउन एरो करके B3 में हमने लिख दिया है वॉशिंग, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, फिर डाउन एरो किया, B4 में लिख दिया है हमने LED, LED कौन सा है ये, है ना, हमने ख़रीद लिया बहुत अच्छा सा फिलिप्स का। B5 में डाउन एरो करके लिख दिया हमने डेल का लैपटॉप ख़रीदा है, और फिर डाउन एरो करके B6 में लिख दिया हमने क्या, यहाँ पे लिखा है क्या हमने लिखा है, यहाँ पर हमने ख़रीदा है फ़ोन, कौन सा, iPhone 11। B6 तक क्यों गया है कर्सर? क्योंकि B1 में हमारी हेडिंग है आइटम्स नेम, और B2 बी यानी 1 नंबर पे हमारा कौन क्या हो गया, रेफ्रिज, ये एयर कंडीशन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो 2 नंबर पे क्या हो गया हमारी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन हो गई, 3 नंबर पे क्या हो गया LED हो गया, 4 नंबर पे क्या हो गया हमारा यहाँ पर, तो ए है ना, 4 नंबर, सीरियल नंबर 4 पे हमारा आया यहाँ पे लैपटॉप, और सीरियल नंबर 5 पे आया हमारा क्या, iPhone 11। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को कैंसिल कर दिया मैंने, नहीं एयर कंडीशन कर लिया ना उसकी जगह, हाँ तो एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, LED, लैपटॉप और फ़ोन, ये ख़रीद लिया। B6 तक कंट्रोल अप एरो किया, B1 पे चले गए, कंट्रोल अप एरो, B1 पे चले गए। देखिए ये तो मैं आइटम्स नेम में बता रही हूँ, ये ग्रॉसरी का भी हो सकता है, जो राशन वाशन परचूनी की दुकान होती है ना वो आइटम्स नेम भी हो सकते हैं। ये मैं आपको एक इलेक्ट्रिक आइटम बता रही हूँ, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी आइटम्स नेम हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, राशन का सामान जो होता है वो हो सकता है, परचून का जिसको बोलते हैं, कोई फ्रैक्शनरीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब राइट एरो किया मैंने, कंट्रोल अप एरो करूँगी पहले, B1 आइटम्स नेम पे आ गई हूँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स की शॉपिंग बता दी आपको। राइट एरो किया, C1, C1 में रेट, क्या हेडिंग यहाँ पे, रेट, यहाँ पे हेडिंग क्या है, रेट है। प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा और बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा, वॉच करते करते लाइक और वॉच करने के बाद शेयर कीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनना है आपको। C1 में रेट है, डाउन एरो करके हमने क्या लिखा है, पहले नंबर पे हमारा क्या है, एयर कंडीशन है, तो मैं एयर कंडीशन का यहाँ पे रेट लिख रही हूँ। B2 में हमारा एयर कंडीशन था, C2 में यहाँ लिख रही हूँ, C2 में मैंने लिखा है ये लिख देते हैं 80,000, 80,000 रुपये का है ये। ठीक है,
और जो ग्रॉसरी का सामान होगा राशन का उसके रेट उसके हिसाब से होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी सामान है, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, तो इसके रेट इसके हिसाब से हैं, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, अब हमने यहाँ पर डाउन एरो किया, डाउन एरो करके फिर हम आए C3 में। C3 में यानी सीरियल नंबर 2 है और दूसरे नंबर पर हमारा ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है। इसका रेट लिख देते हैं 30,000। यहाँ पे क्या लिखते हैं C3 में 30,000, ठीक है। अब राइट, ये हमें क्योंकि सोच देख के इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा आइटम्स किस कितने रेट का था। फिर डाउन एरो किया, C4 में आए। C4 में हमने ख़रीदा था LED था सीरियल नंबर 3 पे, और 4 इसलिए है C4 क्योंकि C1 में हमारी हेडिंग है, ठीक है ना। तो C4 में हमने जो LED ख़रीदा है इसकी कॉस्ट है 25,000 रुपये, 25,000। फिर डाउन एरो किया, हमारा C5 आया है, और C5 में क्या है, C5 में यहाँ पे हमने ख़रीदा है लैपटॉप, और लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो है 50,000। कितनी है, 50,000, यानी सीरियल नंबर 4 पे लैपटॉप है, और ये है B5 में सीरियल नंबर 4, और C5 में हमने लिखी है 50,000। अब C6 में जाते हैं डाउन एरो करके, और डाउन एरो करके यहाँ पे C6 में गए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखना है, देखते हैं B6 में क्या है। तो हमारा आईफोन 11 है, तो C6 में लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपीज़। कितना, 1 लाख, 1 लाख का ही तो होगा वो, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं, मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता। C6 में 1 लाख रुपए लिखा, ठीक है। मेरे ख्याल से एप्पल के तो प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, तो 1 लाख रुपए ही होगा, 1 लाख के आसपास होगा, तो 1 लाख रुपए बहरहाल मैं रेट में लिख दे रही हूँ। अब मैंने सबके रेट लिख लिए हैं, C2 से लेके C2, C3, C4, C5, C6। कंट्रोल अप एरो करती हूँ, क्या करती हूँ, कंट्रोल अप एरो, तो मेरा कर्सर जाएगा C1 पर जहाँ पे रेट लिखा हुआ है। अब मैं सब कुछ लिख चुकी हूँ, लिस्ट में मैंने सीरियल नंबर लिख लिए हैं, लिस्ट के नीचे आइटम्स नेम के नीचे आइटम्स के जो नेम्स ऑफ आइटम्स लिख लिए हैं, और C1 में रेट था तो रेट्स ऑफ आइटम्स लिख लिए हैं C2 से C6 तक। राइट एरो करती हूँ डिस्काउंट, कितना, राइट एरो करती हूँ यहाँ पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है ये D1 में है, क्या है, डिस्काउंट जो है D1 में है। अब D2 में देखते हैं, तो D2, D3, D4, D5, D6, तो डाउन एरो किया D2 में। मान लीजिए मुझे ये पहले नंबर पे एयर कंडीशन था, यहाँ मुझे मिला डिस्काउंट के नीचे, D2 में लिख रही हूँ, D1 में डिस्काउंट है, डाउन एरो करके 5%, मुझे कितना डिस्काउंट मिला 5% का। फिर डाउन एरो मतलब हमने कितना डिस्काउंट दिया, मान लो हम ही शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, डिस्काउंट दिया 5% का। फिर डाउन एरो करके D3 में, यहाँ पे ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिला है 3% का, कितना 3% का, ठीक। फिर राइट एरो, वो सॉरी डाउन एरो करते हैं D4 में, D4 में लिखा है, सॉरी हाँ करेक्ट, D4 में सीरियल नंबर 3 पे लिखा है LED में मुझे डिस्काउंट मिला है 2% का, कितना 2%, ठीक। और फिर मुझे मेरा जो है कर्सर गया D5 पे, D5 में मेरा C5 में था ये है लैपटॉप, और लैपटॉप में मुझे डिस्काउंट मिला है 4% का, कितना 4% का, ठीक। और फिर राइट एरो किया, वो सॉरी डाउन एरो किया, तो D6 आया, D6 में मिला है मुझे डिस्काउंट आईफोन 11 पर, ये मिला है 5% का, ठीक है। अब दोबारा समझ लीजिए इसको कैसे, जैसे हम D1 में डिस्काउंट था, तो D2 में मुझे कितना मिला है एयर कंडीशन पे डिस्काउंट 5% का, फिर D3 में मुझे ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन पे मिला है 3% का डिस्काउंट, या मैंने दिया है, मैं मान लीजिए काम कर रही हूँ। D4 में मुझे मिला है, मैंने दिया है यहाँ पर LED पर 4% का डिस्काउंट। फिर D5 में मैंने लैपटॉप पे दिया है 2% का डिस्काउंट, और D6 में मैंने आईफोन पे दिया है फिर से 5% का डिस्काउंट। तो आज मैंने आपको सीरियल नंबर लिस्ट वाला मसला जो पूरा होता है
आइटम्स नेम, रेट और कितने कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है वो समझे। डिस्काउंट मतलब एक तरह से छूट दी गई है। कंट्रोल अप एरो करेंगे डिस्काउंट यानी D1 पे हमारा कॉलम आएगा, कंट्रोल डाउन एरो करने से D6 पे चला जाएगा। कंट्रोल अप एरो किया D1 पे हमारा कर्सर आया डिस्काउंट पे, और राइट एरो किया तो E1 पे हमारा डिस्काउंट रेट है। ठीक, अब E2 में हमें डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला और आपको अमाउंट का फॉर्मूला, ये सब GST डिस्काउंट रेट, क्वांटिटी और अमाउंट और बाकी टोटल बिल, ये सब मैं आपको जो है कल की क्लास में समझाऊंगी। आज क्योंकि इतना ही समझिए, अगर आप इतना नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, और ये ज़रूर पता के रखिएगा, ये पता करके ज़रूर रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितने प्रतिशत का GST लगता है, कितने प्रतिशत GST है ये भी, क्योंकि GST में हमें लिखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे प्लीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स पे कितना GST लगता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इस वीडियो को बार बार और कंप्लीट वॉच कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, अगेन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उससे पहले करंट अफेयर में ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।